डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, भारत के पश्चिम भारतीय राज्य राजस्थान जैसलमेर शहर के पास ही स्थित है। जैसलमेर शहर के पास स्थित है राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क, पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान है और जैसलमेर शहर के पास ये स्थित है। सेकंड देखिए, माही बजाज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है ये भी, माही बजाज सागर बांध राजस्थान में है। डिटेल देखिए, माही बजाज सागर बांध माही नदी का एक बांध है, ठीक है, माही नदी पर बनाया गया इसे। ये भारत के राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। भारत के राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है माही बजाज सागर बांध, जिसे माही नदी पर बनाया गया है। बांध का निर्माण 1972 से 1983 के बीच पन बिजली उत्पाद और जल आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए किया गया था। पन बिजली के उत्पाद और जल की आपूर्ति, इसके लिए माही बजाज का बांध जो है उसका नींव रखी गई थी उसकी। यह राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बजाज बांध। इसका नाम जमना लाल बजाज के नाम पर रखा गया है। देखिए, डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाता है, उसे आप नहीं भूलोगे। जमना लाल बजाज के नाम पर माही बजाज का नाम रखा गया और राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा बांध है। मोहिनीअट्टम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध है? तो केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम भारत के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है मोहिनीअट्टम, जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय हुआ। मोहिनीअट्टम नृत्य में मोहिनी शब्द से अपना नाम मिलता है भगवान विष्णु का एक पौराणिक करामाती अवतार, ठीक है। मतलब मोहिनीअट्टम नृत्य का नाम कहाँ से लिया गया? तो हिंदू भगवान विष्णु से लिया गया, जिनके अवतार में करामाती अवतार शामिल है। भारत के बिहार राज्य में स्थित यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल, तो महाबोधि विहार और नालंदा महाविहार, ये दोनों ही स्थल जो हैं वो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल बिहार राज्य में स्थित महाबोधि विहार और नालंदा महाविहार। 2016 में यूनेस्को ने बिहार के बहुप्रतीक्षित प्राचीन स्थल नालंदा महाविहार में खंडहर, एक विश्व धरोहर स्थल जो पटना से 98 किलोमीटर दूर है, नालंदा को शामिल करने के साथ बोधगया में महाबोधि मंदिर के बाद दूसरा यूनेस्को विरासत स्थल है। बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि विहार बोधगया का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, जहाँ बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। पोलावरम बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश आंसर है। पोलावरम बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। कई बार नदियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर ये स्थित है, गोदावरी नदी पर, ठीक है। 7 जनवरी 2019 को पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बांध निर्माण के काम के दौरान 24 घंटे में 32,000 घन मीटर कंक्रीट डालकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया। कितने घन मीटर? 32,000 घन मीटर। और जो गिनीज बुक के अधिकारी हैं उनके सामने ये रिकॉर्ड लिया गया है, ठीक है ना। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी वन राष्ट्रीय उद्यान, दोनों के नाम देख लीजिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसे सिटी वन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या शहर वन राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर, भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान। और जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वो गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है और जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। किस हवाई अड्डे ने सागर ब्रिज यानी कि सी ब्रिज पर भारत का पहला विमान रनवे बनाया जाएगा? तो अगाती एयरपोर्ट, ठीक है,
अगात्ती एयरपोर्ट है आंसर। सीब्रिज पर भारत का पहला विमान रनवे और लक्षद्वीप के अगात्ती हवाई अड्डे पर बनाया जाएगा। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण को समुद्र तट और उथले समुद्र पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण करके अगात्ती हवाई अड्डे पर मौजूदा रनवे का विस्तार करने को मंजूरी मिल गई है। तो इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, अगात्ती एयरपोर्ट, सी ब्रिज का पहला विमान रनवे जो कि लक्षद्वीप के अगात्ती हवाई अड्डे पर बनाया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। इसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और दलित दावे के लिए लड़ने वाले एक बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों का दावा करने के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर ये एयरपोर्ट है। भारत की सबसे अधिक संकटग्रस्त आर्द्र भूमि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर जिले में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत में कौन सी है? तो लोकटक झील है जो कि भारत के मणिपुर जिले में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है जिसमें 200 से अधिक जलीय पौधे प्रजाति, 200 से अधिक पक्षी, सांबर, भारतीय अजगर सहित 455 पशु प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसकी स्मृति के डॉक्टरों का राष्ट्रीय डॉक्टर डे जुलाई को मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। भारत में डॉक्टर दिवस की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1991 में की गई थी जिसे मान्यता प्राप्त होने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म और पुण्यतिथि पर, देखिए दोनों ही चीज एक दिन है, जन्म भी और पुण्यतिथि भी, तो उनकी याद में से मनाया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके सम्मान के लिए भी मनाया जाता है डॉक्टर दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है ताकि ग्रह के जीवों वनस्पति पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व वन्य जीव दिवस 2019 के लिए जो थीम है वो है जीवन नीचे पानी लोग और ग्रहों के लिए, जीवन नीचे पानी लोगों और ग्रहों के लिए है। भारत के किस राज्य में चराव नृत्य से संबंधित है? तो मिजोरम आंसर है, मिजोरम जो है वो चराव नृत्य से संबंधित है। भारत के मिजोरम राज्य में चराव नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 4 लोग शामिल होते हैं, वे बांस की 2 जोड़ी जमीन पर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा? चराव नृत्य। ठीक है, किससे जुड़ा है ये? बांस के द्वारा किया जाता है, बांस की 2 जोड़ी ऊपर नीचे रख के इसे किया जाता है। मिजोरम के उत्सव में अवसरों के दौरान आकर्षण का केंद्र रहता है, इसे सुदूर पूर्व और फिलीपींस के पास ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो नृत्य हैं वो सुदूर पूर्व और फिलीपींस में पाए जाते हैं। विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत कौन सा आता है? तो मानव वन्य जीव अभयारण्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और पर हमने अभी मानव वन्य जीव अभयारण्य की बात की है। विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थल है जो क्षेत्र यूनेस्को द्वारा चुना जाता है जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्राकृतिक विरासत है। मानस नेशनल पार्क मानस वन्य जीव अभयारण्य का राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल एक परियोजना टाइगर रिजर्व हाथी रिजर्व असम भारत में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा जो और भी हैं विश्व विरासत स्थल में जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ये सब हैं, ये अगली स्लाइड पर हैं तो वो मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगी।